जो हमारी ये हथेली है ना, इसका चाहे कोई भी हिस्सा हो, इसका प्रत्येक हिस्सा अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देने वाला होता है। और हर हिस्सा हमारे अलग-अलग आयामों को प्रभावित करता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस हथेली को, आप सभी हिस्सों को इसके देख रहे हैं, चाहे अंगूठे के नीचे का स्थान हो, चाहे आपके जो है इंडेक्स फिंगर के नीचे का स्थान हो, चाहे मिडिल फिंगर के नीचे का स्थान हो, चाहे आपके रिंग फिंगर के नीचे का स्थान हो, या चाहे इसके नीचे का स्थान हो, सभी जो है अलग-अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। लेकिन लगभग सभी थोड़ा सा समान है, लेकिन यहाँ पे जो ये हिस्सा है ये दूसरों से बहुत अलग दिखाई दे रहा है और बहुत ही अलग इसमें साइन भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सरल तरीके से पूरी हथेली को देखते हैं तो देखिएगा, अपनी भी हथेली देखिएगा और इस हथेली को भी देख करके मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप इस हिस्से में देखते हैं तो यहाँ पे जो है एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मछली इस पे बन रही है। इसको चंद्रमा का हिस्सा कहते हैं, मानी चंद्र ग्रह हथेली में यहाँ पे बैठता है। और चंद्रमा अगर आप देखें तो जो हमारा ज्योतिष है उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और हमारा जीवन जो है चंद्रमा के बारे में ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, वो कहती हैं चंद्रमा मनसो जायतः, मानी चंद्रमा क्या है, हमारा मन का अधिपति है और जो मानव होता है ना उसका निर्माण ही मन से हुआ है और जो मन का अवयव है वो है मानव, मन का ही तो पार्ट है ना मानव, इसीलिए मानव के जीवन में इस स्थान का, इस चंद्रमा की बड़ी भूमिका होता है, इस चंद्रमा का बड़ा रोल होता है। और चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और इस पृथ्वी पर 2/3 पानी में है। आप जानते हैं चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है, यानी सरल तरह से हम देखें तो आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर इसी चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत भी रखता है। और इस पे जब मछली बनी हुई है, ये मन का कारक है, ये मछली है। चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह होना जातक को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। ज़्यादातर मामलों में आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति बहुत बड़ी प्रसिद्धि पाता है, विदेशों तक ऐसे व्यक्तियों की ख्याति फैलती है और ऐसा जातक समुद्र पार या देशों में व्यापार करके धन अर्जित करता है। मनी विदेश में भी जाएगा, समुद्र पार या देशों में, और वहाँ से धन अर्जित करेगा। इस चीज़ को ये मछली का चिन्ह बता रही है कि यात्राएं ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने जीवन में करता है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, ध्यान से आप देखें इस चीज़ को, तो यहाँ पे जो है त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जगह जगह जो है त्रिकोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्र क्षेत्र पे। और चंद्रमा पे अगर किसी व्यक्ति का त्रिकोण होता है ना, तो जब करियर के मामले से व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाता है तो व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है, लेकिन अपने ही कमाई हुई पैसों से, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अच्छे खासा जो है धन की प्राप्ति होती है ज़्यादातर मामलों में। 1-2% ऐसे केस भी देखे गए हैं कि जहाँ जो है किसी अन्य स्रोत से, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं रहती है, व्यक्ति को जो है लॉटरी के माध्यम से या किसी ऐसे स्रोत से धन का आगमन हो जाता है, अचानक धन लाभ मिल जाता है जिसके बारे में व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वर्तमान स्थिति अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो चंद्रमा है बहुत सारी रेखाएं इसमें बनी हुई है, चिन्ह बनी हुई है, लेकिन बहुत बुरी तरह से ये बैठा हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। थोड़ा इसका नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, ये व्यक्ति के मन को प्रभावित ज़्यादा करता है अगर ऐसी स्थिति में हो तो।
अगर किसी प्रकार से शारीरिक रूप से कुछ ऐसा अवयव आ गया हो या कोई कहीं पे हाथ लगा हो तब ऐसा हुआ हो तो वो बात अलग है, लेकिन ये ऐसा ही हो गया है तो ये थोड़ा सा मन को गड़बड़ रखेगा कुछ समय तक के लिए, मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई बार जो है भावुकता ज़्यादा आएगी, बात बात पर आँख से आंसू भी आ सकते हैं या इमोशनल बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, ये आपका चंद्रमा आपको बता रहा है। चंद्रमा अगर इस तरह से होता है तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रह सकता है, मन भटकता है, ज़्यादातर कामों में मन नहीं लगता है, ठीक है ना। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो निश्चित तौर पे कभी कभार पेट की समस्या भी ऐसे में आ सकती है। और ऐसे में अगर व्यक्ति की माँ हो भी तो भी माँ का सुख मिलना थोड़ा दुर्भर हो जाता है, और चंद्रमा इस तरह से हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करने बैठ जाता है, चिंता तुर स्वभाव व्यक्ति का होने बैठ जाता है और नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और कई बार शरीर में जो हार्मोनल सिस्टम है वो अनबैलेंस होने लग जाते हैं। तो मैं एक सुंदर आपको उपाय दूंगा, एक योगिक क्रिया दूंगा, उसको करने की आपको आवश्यकता है, निश्चित ही जो है आपका चंद्रमा अपने स्थान में आएगा और जो मन को ये प्रभावित कर रहा है निश्चित ही वो नहीं करेगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये अगर आप देखोगे तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से बहुत कम है लेकिन आ रही है यहीं से और चंद्रमा पे जाती हुई दिख रही है। और देखा जाए तो जो बृहस्पति का माउंट है वो साधारण से साधारण भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो मन है वो चिंतातुर स्वभाव को जन्म देता है, कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, कोई ना कोई तनाव व्यक्ति के जीवन में बना रहता है या किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और व्यक्ति की जो योजनाएं हैं, जो वो कल्पनाएं करता है, योजनाएं बनाता है, ज़्यादातर जो है प्रैक्टिकल रूप से जो है वो उभरती नहीं है, जिसके कारण अवसाद की स्थिति भी जन्म लेती है, यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो हृदय की लकीर है सीधा सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत श्रेष्ठ है। एक तो ये धार्मिक भावनाओं को बता रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो धार्मिकता लिए हुई है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने क्षेत्र में जो है बुद्धिमत्ता भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बुद्धिमान भी, नॉलेज जिस क्षेत्र में रखते हैं अच्छी खासी नॉलेज है। अब प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज और भी दिखाई दे रही है, अगर आप देखोगे एक रेखा जो है आपकी यहां से निकल करके कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत पे जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये रेखा होती है ना, ऐसा व्यक्ति जो है ये रेखा निश्चित तौर पे विदेशों से धन का आगमन करवाती है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे व्यक्ति विदेश में जाके धनार्जन करे, चाहे व्यक्ति जो है अपने देश में हो लेकिन उसको विदेशों से भी धन का आगमन होता है। बहुत सुंदर रेखा और अच्छी खासी मात्रा में होता है। धन के मामले में ये रेखा जो है व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाती है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे क्या है वर्तमान समय की स्थिति, रेखा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, अपने फल देने की स्थिति में है, लेकिन पर्वत का पता ही नहीं चल रहा है कि पर्वत है भी कि नहीं है, सूर्य उसको ऊर्जा ही नहीं दे पा रहा है। जहाँ पे जा रही है मिलन करने, जिसके गुणों में ये वृद्धि करने जा रही है, वो सूर्य जो है बिल्कुल डावाडोल स्थिति में है। और जब सूर्य इस स्थिति में होता है तो व्यक्ति को जो है अमूमन चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, व्यक्ति की जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय जिस तरह से मिलना चाहिए था, जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे जो है आप व्यापार कर रहे हों,
जो निखार वास्तव में मिलना चाहिए था, जो विस्तार मिलना चाहिए था, जो फैलाव होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अटका हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काम बनते बनते कई बार रुक से जाते हैं या कामों में ज़्यादा सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस चीज़ की ओर भी जो है ये सूर्य का पर्वत ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बृहस्पति का माउंट देखें, जैसे हथेली में आप खुद देख लीजिएगा, ये बहुत ही साधारण भाव में बैठा हुआ है और ये इसको धन का ग्रह भी मानता है, प्राण प्रतिष्ठा का ग्रह भी मानते हैं, ये हर चीज़ का ग्रह मानी गुरु है ये, ठीक है ना। जुपिटर का माउंट है ये और ये साधारणता देते हुए आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान समय में सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव आपको जरूर रहने वाला है, देखा जाए तो थोड़ा दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी, दया की और परोपकार की भावना। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा, लेकिन वास्तव में जो सुख की वास्तव में प्राप्ति होनी चाहिए थी, उस सुख की कहीं ना कहीं प्राप्ति उस मात्रा में नहीं होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। और विशेषकर अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा जिसे कहते हैं उस क्षेत्र में, और कानून के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में अगर काम कर रहे हों या कार्य करने की सोच रहे हों, तो थोड़ा सा जो है इसमें कामयाबी मिलनी थोड़ा सा जो है दूर की कड़ी दिखाई दे रही है, मानी थोड़ा लेट से मिल सकती है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा उछाल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे शनि भी जो है आपके बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में, जो खुशियाँ होनी चाहिए थी उसमें अड़चने पैदा करती हुई ये दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएँ, आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोरी देती हुई यहाँ पर ये दिख रहे हैं। शुक्र का हिसाब किताब देखें, शुक्र तो वैसे उभरे हुए बहुत अच्छे हैं, और ये इस तरह से उभरे हुए होते हैं ना, तेजोमय अवस्था में भी होते हैं ना, जिस प्रकार आपकी हथेली में, ये बता रहे हैं कि आप तेजस्वी होंगे, आपका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो भी अच्छी खासी होगी, जो सुंदरता है और जो आकर्षण का वाला पार्ट है वो आपके अंदर विद्यमान होगा, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी ये दे रहे हैं, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, अपने को सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, कहीं ना कहीं ये भाव भी बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वर्तमान में ये आपको मानसिक परेशानी दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी आपके नज़रिए से देखा जाए तो अभाव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, ये गुरु से ज़्यादा उभर जाए शुक्र का पर्वत तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, ये सुख में कमी करने का कार्य करता है। अगर बृहस्पति ये अंगूठा इस प्रकार से देखा जाए तो लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस चीज़ को देखा जाए तो इच्छा शक्तियाँ भी अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, और दोनों पोरों के बीच में देखा जाए तो एक बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पे यौ का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा, थोड़ा भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उंगलियों की हम बात करें तो ये गुरु की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ, और जब ये गुरु की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है, व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव को जन्म देती है, यही चीज़ ये दिखा रही है। ये उंगली पूरी तरह से लंबी है, मेहनती है,
मेहनत में कहीं कोई जो है यहाँ पे कायरता नहीं दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली देखिए तो पूरी तरह से झुकी हुई है शनि की तरफ, और जब ये रिंग फिंगर सूर्य की उंगली शनि पर्वत की उंगली की तरफ मानी मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। यही चीज ये आपके अंदर करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखा जाए तो आपकी बृहस्पति की उंगली, आपकी सूर्य की उंगली बराबर स्थिति में है। ऐसे में आपके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी मौजूद है उतनी ही मात्रा में दार्शनिक व्यक्तित्व की क्वालिटी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली जिसे हम कहते हैं बुध की उंगली, ये भी पूरी तरह से जो है झुकी हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है। मनी जीवन काल में धन कमाने की ललक को ये पैदा कर रही है। व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है, धन को भी प्राथमिकता अपने जीवन में देता है कि जब हमारे जीवन में धन होगा तो निश्चित रूप से समाज में जो है अपना स्तर अलग किस्म का होगा। लेकिन ये पहले पौरवे तक पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो हल्के रूप में मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी जो है असर डालती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। लेकिन चिपकी हुई है, कमी रह सकती है। चिपकी हुई है तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी होती है, और वो लोग इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं ज़्यादातर मामलों में। पूरी तरह से अगर देखा जाए वर्तमान में तो ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ झुक रही है। मनी सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब हमारी हथेली में हमारी सभी उंगलियाँ बीच की उंगली की तरफ झुकती है ना, तो इसमें शनि के नेगेटिव गुणों में थोड़ा सा वृद्धि हो जाता है, और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। कई बार जो है ऐसे में जो है सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन ऐसा एकाएक ऐसी स्थितियां बन जाती है जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे खुशियों में कमी वाली स्थिति पैदा हो जाती है, और व्यक्ति बार बार दुखी हो जाता है। तो ये शनि के जो है थोड़ा सा नेगेटिव गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी अगर जो है हम सभी लकीरें लगभग देख लें, जीवन की लकीर भी आपकी बहुत अच्छी है, पीछे की तरफ जा रही है पूर्ण रूप से। देखो बहुत बड़ा संकट या लाइलाज कोई बीमारी जो है अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एक रेखा इस तरह से आती हुई चंद्रमा की ओर जा रही है, ये विदेश यात्रा को बताती है। वो तो आपने कर ही रहे हैं, आप विदेश में ही हैं। दूसरा ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति अगर चंद्रमा ठीक होता है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फूड बिजनेस ऐसी चीज़ों में अगर हाथ आजमाता है तो ज़्यादा सफलता की स्थिति रहती है। लेकिन जब चंद्रमा भी अच्छा हो, देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जहाँ तक इसकी बात है आपके मणिबंध की, तो मणिबंध थोड़ा संघर्ष दे रहा है वर्तमान में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, इस ओर इशारा करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी शुक्र के अलावा आपका कोई भी ऐसा एक ग्रह नहीं है जो थोड़ा सा जो है आपको राहत दे सके। यहाँ पे केवल दोनों जो है मंगल ठीक है, जो एनर्जेटिक स्वभाव दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है पराक्रम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर बुध की स्थिति देखें, ये भी बहुत अच्छा है। ये बुध आपको जो है वर्तमान समय में वाणी की शक्ति बहुत अच्छा दे रहा है, वाणी में मिठास देता हुआ दिखाई दे रहा है, और व्यक्तित्व भी अच्छा दे रहा है। और जो भौतिक सुख सुविधाएं वर्तमान में मिल रही हैं आपको, इसी बुध की वजह से मिल रही है। जो पराक्रम मिल रहा है आपको वो मंगल के कारण मिल रहा है। जो एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है वो मंगल के कारण है। और जीवन में जो सुंदरता है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, जो वाणी की शक्ति है, वो कहीं ना कहीं बुध से प्रभावित यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दो ग्रह आपके अच्छे हैं हथेली में, बाकी सभी ग्रह जो है डाउन स्थिति में है, अनबैलेंस स्थिति में है। थोड़ा सा रूटीन बदलने की ज़रूरत है।
कहीं ना कहीं कुछ यौगिक क्रियाओं को करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको लिख करके और ऑडियो मैसेज से भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।